हेलो एवरीवन, ये जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं कवर करूँगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, थोड़ा उनके डिटेल के बारे में, एक्चुअल में क्या होता है, उसका साइज कैसे हो, क्या होता है, एटोमिसिटी क्या होती है, और ये आपका मॉलिकुलर मास क्या होता हैगा, ग्राम मास, ये सब चीज़ें मैं सिंबल्स के बारे में इनके बाद डिस्कस करूंगी। इसके बाद जो होगी वीडियो उसमें मैं आयंस और फिर जो कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला फॉर्मेशन, और ये आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह हैं उनमें ये टॉपिक्स आता है, ये एटम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तरह समझ लीजिए, जिन बच्चों को आगे कॉम्पिटिशन में जाना है उनके लिए समझ लीजिए एक तरह से ये बेस चल रहा है, 9, 10, आगे 11, 12। यदि आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक कॉम्पिटिशन आप निकालेंगे, और इतनी मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। बस आप हर टॉपिक को कायदे से लेते रहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें वीडियो में, हर एक वीडियो में सारे टॉपिक्स को, उसको मैं जितना आपको सिलेबस है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो यदि मेरी ये वीडियो सुन लेंगे और ये जो मैं लिखती हूँ बोर्ड पर, ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे, तो आई थिंक उसके बाद खाली बस आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। बुक को रीड कर लीजिए, बस कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्स्ट्रा कुछ करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके नाउ, तो पहले हम ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, जो जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगी सब मैं इन सब के बारे, टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने डॉट्स लगा के बताए हैं। तो एटम्स के बारे में कहा गया है कि बताया था कि वो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, डेल्टन ने इन्होंने सबकी, जिसको मैंने पहले बताया है। बट हम देखते हैं जो एटम है, एक्चुअली बाद में देखा गया जो एटम है वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ों को इनमें से रब करूंगी, मैं लिख से देती हूँ, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों को ईजी रहे। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, और इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि उसको हम पावरफुल जो माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते। और किससे होता है, बीच में क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में यहाँ पर मूव करता रहता है। ये जो दूसरा आपका इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो कौन सा आपका फोर्थ चैप्टर, जो अगला वाला चैप्टर है आपका, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ये सब बता दी, कैसे फॉर्मेशन होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे वो होता है। तो यदि आप वो देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो टॉपिक चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें सब क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट ही दूंगी मैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें ऑर्बिट में जो शैल से मूव करते रहते हैं, किसी का एक शैल होता है, दो शैल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर बनाते हैं मास नंबर, एटॉमिक वो बनाते हैं मास नंबर। तो ये दोनों क्या होते हैं, बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन से मूव करता रहता है। जितने हमारे प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, सॉरी जेड से करते हैं यहाँ पर, और इसे ए से करते हैं। तो ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ उसमें मैं। अब इसकी साइज की यदि हम बात करें, इतना स्मॉल होता है कि इसको हम पावरफुल जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा होता है। अभी मैंने इतना बड़ा बना दिया, एक्चुअली में बहुत छोटा होता है। समझ लीजिए एक तरह से हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई दीवार बनानी है, तो क्या होती है, ब्रिक्स मिलकर के क्या बनाती है, पूरे उसको बनाती है। तो एक तरह से ये जो एटम होता है, ये समझ लीजिए एटम है, कोई भी हमारा मैटर बना है तो जो स्मॉलेस्ट क्या है, ये जितनी से बनी है, ब्रिक से बनी, तो इस दीवार के स्मॉलेस्ट क्या, ब्रिक हो गया। अब यदि ब्रिक को कर, तो जो ब्रिक है किससे बनी, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है। ये सब चीज़ मैं बता चुकी हूँ। साइज इतना इसका छोटा होता है कि जैसे हम सबसे स्मॉलेस्ट हमारा है हाइड्रोजन, उसको हम यदि नैनोमीटर में देखें तो 0.037 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10^-9, माइनस का मतलब 1/10^9 मीटर होती है। तो इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर में आ गया, और इसको हम इसका रिलेटिवली मास भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी इसकी जो रेडियस लिख सकते हैं, रिलेटिवली रेडियस
10 रेज टू द पावर माइनस 10 भी लिख सकते हैं, कभी कभी ये भी लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट, ये एक्यूरेट है और ये हमारा रिलेटिव रेडियस हो गई। इसी तरह और सब आपकी बुक में दी हुई है, आप लोग उसमें से लर्न कर लीजिएगा, ये करनी जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप लोग कर लीजिएगा लर्न। फिर उसके बाद में आता है मॉलिक्यूल। अब कहते हैं यदि हम एटम और मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें हम देखते कहते हैं कि जो एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल है। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल क्या हुआ, मतलब एटम एक दो या उससे ज्यादा एटम्स को मिलकर के मॉलिक्यूल बना। जैसे H2O है, इसका स्मॉलेस्ट जो हमारा होगा मॉलिक्यूल क्या होगा, H2O ही होगा। तो इसमें इसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन के मिलने से ये बना, ये क्या हुआ मॉलिक्यूल हो गया। मैंने लिख भी रखा है मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर, वो क्या हुआ मॉलिक्यूल। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब जैसे कि हम एच और एच को मिलाएंगे तो क्या बना, H2O बना। ये क्या हुआ, यदि हाइड्रोजन गैस है उसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा मॉलिक्यूल होगा, और हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, ज्यादातर एटम कह देते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये तो सेम है और ये डिफरेंट है, तो वही देखिए बात कही कि सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं क्या होते हैं वो सब मैं आपको, मैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुकी हूँ और लर्निंग का मेथड भी उसमें बता चुकी हूँ, वहाँ आप देखिएगा। हर एक का मैंने टॉपिक का नेमिंग भी डाला हुआ है कि मैंने किस तरह से बता रखा, मास नंबर कैसे करना, एटम मास करना, वो मैं सब बता चुकी हूँ, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ये वाला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और एटम, ये दोनों जो चैप्टर हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों जो हमारे आपके चैप्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन दोनों को करने के लिए एक दूसरे के बारे में हमें करना जरूरी होता है, यदि ये करें इसलिए ये वाला भी चैप्टर भी आपको आना चाहिए। तो मॉलिक्यूल मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। अगला पॉइंट है एटम्स फॉर मॉलिक्यूल एंड आयन। जो एटम है, अब हमने बात की जो एटम से क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, आयन बनाते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सोडियम है एंड क्लोरीन, ये दोनों इसका स्मॉलेस्ट हमारा ई समझ, एटम का एक तो सोडियम का एटम है दूसरा क्लोरीन का है, ये मिलके क्या बनाएगा NaCl बनाएगा। ये सब क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। इसके बाहर कितने होते हैं, सोडियम के बाहर जो आउटर मोस्ट वाला होता है कितने होता है, वन होता है, तो ये वन को दे देता है। वन को देने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर ये वन को क्या करा इसने, दे दिया, क्या बन गया Na+ बन गया, तो इसे कहेंगे हम आयन, कि एटम ने क्या बना आयन बना दिया। इसी तरह से क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन के बाहर सेवन होते हैं तो ये क्या करता है एक ले लेता है और क्या बन जाता है क्लोरीन माइनस, तो ये आयन बना। तो ये जो मैंने बात लिखी है एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस, तो ये क्या हुआ आयन बना और इन दोनों ने मिलकर के क्या हुआ NaCl बनाया, इसने एक इसको दिया इसने, तो क्या बन गया ये NaCl बना। तो ये वैसे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है एक्चुअल में, बट जो अंदर से देखा जाए तो ये Na और Cl दोनों क्या आयन है, Na भी आयन है Cl भी आयन है। क्या हुआ इसमें, उसने उसे दिया और उसने लिया। ये जब मैं आपको आयनिक कंपाउंड और ये सब बताऊंगी तो कोवल तब आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आई थिंक आप पॉइंट समझ गए होंगे कि एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन, दीज मॉलिक्यूल। अब जब ये मॉलिक्यूल बन गया, सपोज NaCl बन गया या Na+ बना और Cl बना, तो ये मिलकर के मैटर बनाते, कई तरह के मेटल है। सोडियम किसी और के साथ में भी हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसने क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, क्लोरीन किसी और के साथ में हो गया, HCl के साथ में हो गया, तो ये जो मॉलिक्यूल या जो बन रहे हैं वो आगे फर्दर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते होंगे, वो रिएक्शंस होते होंगे आपस में, कोई किसी के साथ नहीं हो सकता, सब हो क्यों रहा है, सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और अपने नियर वाले जो नोबल गैस की तरह बनना चाह रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे करने से पहले सारे पॉइंट लिख जरूर लीजिएगा, एक बार पहले पूरी वीडियो सुनिएगा फिर सारी चीजें लिख लीजिएगा, फिर समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद में आता है
कि जो एटम्स है दो फॉर्म में है, जो मैंने वाले वो एक तुम्हारा किसमें मॉलिकुलर फॉर्म में, मतलब कि NaCl हुआ, दूसरे किस फॉर्म में है, आयन फॉर्म में है, H+ हुआ, ये आयन फॉर्म में है, ये भी देखता है हमारा। O की बात करेंगे तो 2- हुआ, ये आयन फॉर्म में है। तो जो यहाँ पर है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम किस फॉर्म में, एक तो मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, दूसरा किस में होता है, आयन फॉर्म में होता है। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल कितने टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के क्या हुए, मतलब ये दोनों मिलकर के बनाया, इसमें H2O हुआ। कंपाउंड मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट एलिमेंट ने मिलकर के जो बनाया, सॉरी यहाँ H2 हुआ और यहाँ H2O। तो जो डिफरेंट ने मिलकर जो बनाया उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मैंने हर टॉपिक को देखिए, मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। फिर आती है एटोमोसिटी। एटोमोसिटी क्या होती है, देखिए एटोमोसिटी क्या होती है कि कोई भी जो एटम है, सपोज जैसे हाइड्रोजन है, कितने एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, कितने एटम ने, दो एटम ने, तो ये टू क्या होगी, इसकी एटोमिसिटी होगी। कभी कभी बच्चे इसको भी कहते हैं ये एटोमिसिटी, यहाँ पे एटोमिसिटी दो एक ही है, क्योंकि दो हाइड्रोजन ऐसे लिखे हुए एक साथ। यदि हम लिखेंगे ऐसे, यानी ये हुआ टू एटोमिसिटी, यहाँ पर लिखा ये इसकी थ्री एटोमिसिटी। कुछ बल्कि जो एलिमेंट हैं, कुछ जो एलिमेंट है वो ऑलवेज हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में ही रहते हैंगे, ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसमें मोस्टली आता है नॉन मेटल, नॉन मेटल जो मोस्टली होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, मॉलिकुलर फॉर्म में ही रहते हैं वो। ओके अच्छा, अब इसके बाद आती है बात में कि सिंबल, सिंबल क्या होता है, व्हाट इज सिंबल। यदि हम इसकी बात कर लें, मॉलिकुलर समझ में आ गए यहाँ पर ये। अब हम बात करते हैं सिंबल की, बात करते हैं सिंबल क्या हुआ। सिंबल हुआ एक तरह से किसी को प्रेजेंट करना। सिंबल क्या होता है कि प्रेजेंट, कि मैं सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंट नेम ऑफ किसका, एलिमेंट का जो नेम हमारा बता रहा है वही उसका सिंबल है। और इसमें सिंबल पहले सबने अलग अलग करा, अलग अलग तरह देखा कैसे करा जाए, क्या करा जाए। तो सिंबल ऑफ जो एलिमेंट मैंने लिखा, सबसे पहले डेल्टन आया। डेल्टन ने क्या करा, अलग अलग उसके, जैसे हाइड्रोजन था उसका अलग बना दिया, और किसी का राउंड बना के उसका नेमिंग लिख दिया बीच में। सल्फर का था उसने क्या किया, एस लिख दिया। बट तब तक जो है इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे जब डिस्कवरी ज़्यादा हुई तो ये पॉसिबल नहीं था इतने सबका करने के लिए, सबका कहाँ तक डायग्राम बनाए, कैसे करें, लर्निंग में बहुत दिक्कत थी। तो आगे जाके जो हमारा ये जो मॉडर्न हमारा सिंबल है उसके, वो कौन था आपका, जे जे ब्रंथ। तो ये जो था इसने जो है आगे जो मॉडर्न हमारा जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंगली हैगा। इसने क्या करा, दो तरह करा उसके, तो क्या करे, एक तो इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंगली है, दूसरा हमारा क्या है किसके अकॉर्डिंग, लैटिन नेम के अकॉर्डिंगली। ओके तो जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हुआ, सिंगल वाला लेंगे, एच ले लिया। क्लोरीन में शुरू के टू ले लिए। अब लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें, क्योंकि कुछ क्या हो रहे थे, सब कॉमन हो रहे थे, ऐसे और भी जिनका हाइड्रो एस से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, से कार्बन में सी ले लिया। कॉपर में क्या करा, अब कॉपर में सीओ आना चाहिए, बट सीओ किसका, कोबाल्ट का है। तो फिर किसका यूज करा गया, फिर यूज करा गया लैटिन नेम का, किसका लैटिन है, लैटिन नेम का। तो देखिए दो तरह से, एक तो डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश नेम, सेकंड है डिराइव फ्रॉम द लैटिन नेम। लैटिन नेम ये आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। सिंबल आई थिंक आपने अब तक लर्न कर चुके होंगे, क्योंकि मैं ये वाला चैप्टर में पहले आप लोगों को कराया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला वो करा दिया था मैंने पहले ही आप लोगों को, तब आप लोगों ने लर्न कर लिए थे। अब आपको करने के, आपका लैटिन नेम वो जरूर लर्न कर लीजिएगा, उनमें से जरूर एक ना एक आ जाता है। तो लैटिन नेम जैसे सोडियम है, सोडियम को क्या बोलते हैं आपका, नेट्रियम बोलते हैं, नेट्रियम यानी Na आ गया। इसी तरह से यदि हम और देखेंगे तो जैसे कि जो आपका आयरन है उसकी क्या होती है, आयरन की आई नहीं होती, क्योंकि आई किसकी होती है, आयोडीन का होता है। आयरन का होता है Fe सिंबल, और इसका लैटिन नेम क्या होता है आपका, फेरम, Fe फेरम आ गया। तो कुछ तो लैटिन नेम के अकॉर्डिंगली हुए, कुछ किसके अकॉर्डिंगली हो गया हमारा, वो पहला पहला और सेकंड वाला ले लिया। तो ये हुआ सिंबल हो गए हमारे ये। और इसमें सिंबल में ये बात ध्यान रखिएगा, यदि दो एक साथ है तो पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, सेकंड वाला क्या होगा,
स्मॉल होगा। इनको ऐसे करके कभी भी नहीं लिखते हैं, ऐसे मिला करके, दिस इज रॉन्ग, ऐसे और ये अलग से मिलाएंगे नहीं, कर्सिव में नहीं लिखते, इस बात का ध्यान रखिएगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। ओके, अच्छा अब इसके बाद में आता है एटॉमिक मास का। अब देखिए एटॉमिक मास क्या हुआ, एटम का मास, एटॉमिक मास क्या हुआ, एटम का मास हुआ। तो एटॉमिक मास को जैसे कि किसी का वो करने के लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करा गया, एक्चुअली इसमें इसकी यूनिट जो होती है, पहले एएमयू थी, अब लिखते हैं खाली ओनली, मतलब यूनिफाइड मास, यू फॉर यूनिफाइड मास। तो अपने उसको इजी करने के क्या करा गया, ये आपके रिलेटिव हमारे जो है मास, किसी से रिलेशन लिया गया, तो इसको थोड़ा समझने वाली बात है ये। एटॉमिक मास में करा के जैसे हाइड्रोजन है, उसका उसके बदले कार्बन का लिया गया, कार्बन आइसोटॉप्स को लिया गया, 12 को। क्यों लिया गया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, तो वो दूसरे के संग में रिलेटिवली करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, बट जो कार्बन 12 का था ये स्टैंडर्ड था, तो इससे दूसरे से रिलेशन निकालने में इजी हो रही थी। कार्बन 12 का रिलेशन था, तो इसके सब 12 है, इसके हमें क्या करें, 12 पार्ट करें, कितने करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, 12 पार्ट करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, 1 12th वाला जो पार्ट है, उसको कहा गया यूनिफाइड, यानी कि 1 जो हमारा ये आपका यूनिफाइड मास है, इक्वल्स टू होता है 1 12th ऑफ, 1 12th मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो 1 12th मास होता है वो इसके बराबर होता है। ओके राइट, ठीक है, तो वो उसके बराबर होता है। आगे बात समझ आपके समझ में, तो ये इसको जो आपका ये हैगा, इसको मैं दोबारा चाहती हूँ यहाँ से, देखिए ऐसे समझिए, जैसे हम देखिए लेते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो कुछ इसको भी तो कहेंगे कि ये किसके इक्वल्स टू है, तो इसीलिए हमें लेना पड़ा ये कि कुछ ना कुछ तो करेंगे कि एक जो हमारी यूनिफाइड मास है वो किसके अकॉर्डिंग, जो ये यूनिट है हमारी एटॉमिक मास की, ये किसके अकॉर्डिंगली है एटॉमिक मास की, तो वही करा गया जो कार्बन का था, स्टैंडर्ड निकला, तो उससे रिलेशन निकाला गया, इक्वल्स टू हो गया 1 12th मास ऑफ कार्बन 12। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो ये इससे, अब जस्ट सपोज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का देखिए कितना होता है, 12 होता है, नहीं सॉरी मैग्नीशियम का 12, 12 12 24 होता है। तो हम ये कहेंगे कि मैग्नीशियम क्या है, जो यदि मैग्नीशियम बात करेंगे, मतलब हो गया ये 24 टाइम्स ऑफ 25, ये बोले टाइम्स ऑफ 1 12th मास ऑफ कार्बन 12, मतलब ये जो मैग्नीशियम है कार्बन के 1 12th उसको यदि हम कर दें उससे 24 टाइम्स हैवियर है, इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे हम किसी और की बात ले लें, हम कोई और ले लेते हैं, सपोज ये आपका ऑक्सीजन ले लेते, इसका कितना होता है, 32 होता है, तो इसे हम कहेंगे कि जो ये ऑक्सीजन है 32 टाइम्स हैवियर देन 1 12th मास ऑफ ये, इसका मतलब ये हुआ। तो 1 ये जो है किसके बराबर होता है, 1 12th ऑफ कार्बन मास की। रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि कुछ ना कुछ तो जो यूनिट बनाते हैं वो यूनिट किसी के अकॉर्डिंगली तो है, किसी के इक्वल्स टू है, जैसे फिजिक्स में तो ले लेते हैं मीटर सेंटीमीटर सब ले लेते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसमें इस तरह से करा गया, ये देखा गया बहुत सी समय, क्योंकि हाइड्रोजन सेट नहीं बैठ रहा था, बहुत ज्यादा कम हो रहा था उससे, बाकी सबका काफी वो कम आया, बट कार्बन क्या रहा, स्टैंडर्ड रहा, तो वो एक उससे रिलेशन निकाला गया। तो अर्लियर पहले एएमयू करते थे, बट लेटेस्ट आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली इसको यू लिखते हैं, यानी कि यूनिफाइड मास। पहले आपने देख, पहले जो यदि
एएमयू लिखा जाता था भाई, इतना हमारा मास होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ये मैंने लिखी रखे हैं यहाँ पर ये कि 1961 में कार्बन जो का जो आइसोटॉप्स है उसको चूज करा गया एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग द एटॉमिक मास, मेजरिंग द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है हमारा ये होता है। अब आता है जो एटॉमिक मास कहते किसको है, थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर विद द मास ऑफ कार्बन 12, जो मैंने आपको बात बताई, टेकन एज 12 यूनिट। जैसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का लिख सकते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ओके, अब उसके बाद में आता है फिर एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास दोनों सेम ही है। जैसे कि एटम क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल हो गया, H2O क्या हुआ, मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका मास, ये H का मास हो यानी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सेम वे रहेगा, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, इसकी जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा, एज कंपेयर विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम एज 12 यूनिट। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, उसकी जगह क्या लिख देना है आपको, ये मॉलिक्यूलर मास लिख देना है। सेम इसलिए मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे कि ये आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर हैज मॉलिक्यूलर मास सेम वे एस एटम। जैसे कि हम H2O का मैंने एग्जांपल लिख रखा है, कितना होगा इसका 2 × 1, हाइड्रोजन के दो हैं, 2 × मास ऑफ 1 हाइड्रोजन प्लस 1 × मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना आ गया 2 + 16 = 18 आ गया। तो ये क्या हो गया 18, यानी 18 times हैवियर देन कार्बन, हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। इसका मतलब ये हुआ, ये लाइन ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए लाइन, मैं इसलिए हर एक पॉइंट को लिख देती हूँ मैं। अब आता है ग्राम मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, कुछ भी नहीं है, जो यू है इसकी जगह जी लिख दीजिए। देखिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्रेस, इसको ग्राम में लिखा तो एटॉमिक मास बन गया। अब इसी की जगह एटॉमिक की जगह आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे उसकी जगह कर देंगे मॉलिक्यूल कर देंगे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज ग्राम इन न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स यहाँ मॉलिकुलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास। क्योंकि एटम, और हम क्या एटम की बात कर रहे हैं अकेले की, मॉलिक्यूल की क्या बात कर रहे हैं कि सेम एटम या डिफरेंट एटम को मिलाने से जो बना है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये हो गया एटम और ये हो गया मॉलिक्यूल, ये हो गया मॉलिक्यूल, ये हो गया मॉलिक्यूल, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए एक इसमें एटोमिसिटी की बात आती है, जैसे H2 की एटोमिसिटी आपने बोल दी 2 होती है, अब बताइए इसकी एटोमिसिटी क्या होगी। एक ये है, 2, 3 होगी। ये बुक में नहीं है आपके, बस समझ लीजिए क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता हैगा। CO2 की बताइए कितनी एटोमिसिटी होगी, 1, 2, 3, मतलब तीन अलग एटम के मिलने से क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये ध्यान रखिएगा ये। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं, आगे मैं बताऊंगी। देखिए ये जो ग्राम है ये आगे जाके मोल बनता है, वो सब चीज़ बाद में बताऊंगी डिटेल में। मैं अब क्योंकि अब आगे समझाऊंगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।